पॉपुलेशन। इंडिया का ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन ऐसा है जो यूथ कैटेगरी में आता है। आई गेस द लेक्चर इज गेटिंग रिकॉर्डेड। यस ओके। फाइन। सो टॉकिंग अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन, वी हैव इंडियाज 40% ऑफ द पॉपुलेशन विच शैल बी अ यूथ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट। इंडिया का ये जो यूथ पॉपुलेशन है ये आता है ऑलमोस्ट एक कैटेगरी में जहाँ पे हम लोग 15 से लेके 24 साल की उम्र की बात करते हैं। दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट रिसोर्सफुल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का पॉपुलेशन है, वी हैव अ टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 3 million of population, billion of population. उसमें से there is 1/5 of the population as of now, और आगे जाके 2030 तक ये माना जाता है कि इंडिया का 40% population would fall into the age group of 15 to 24 of age. That means that is considered as the most youthful population. It is considered as one of the most energetic population. इनका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट इज बेसिकली गोइंग टू बी दैट अर्निंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एक इंसान जिसका स्कूलिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी पढ़ रहा है, ही इज एक्चुअली अ बर्डन टू द नेशंस इकोनॉमी। और वेदर अ पर्सन हैज स्टॉप्ड अर्निंग, जिस इंसान ने काम करना बंद कर दिया है, जिसने रिटायरमेंट ले लिया है, वो इंसान भी एक नेशन की इकोनॉमी पे बर्डन होता है। ये यूथ पॉपुलेशन ही है जो 40 साल की उम्र तक, 45 की उम्र तक वो एक्चुअली देश में काम करता है और वो पैसे कमाता है। सो इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इनफैक्ट इट इज द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज मैक्सिमम यूथ पॉपुलेशन एंड इट हैज अ मैक्सिमम अर्निंग पॉपुलेशन। तो ऐसे पॉपुलेशन को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी होता है। वर्ल्ड में अगर तुम देखने जाओ, ऑलमोस्ट 45% रेशियो इंडिया शेयर करता है इन द यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द यंग पॉपुलेशन इज फ्रॉम इंडिया। एंड इफ सच अ पॉपुलेशन इज ट्रेन्ड वेरी वेल, इफ सच अ पॉपुलेशन इज एडुकेटेड वेरी वेल, तो फॉर श्योर आगे जाके सिर्फ देश तरक्की नहीं करेगा, बट इवन इन द वर्ल्ड वी शैल हैव सच एडुकेटेड इंडिविजुअल्स वेरिन दे आर वेरी रिसोर्सफुल इन डेवलपिंग द वर्ल्ड। सो एडुकेशन In any damn country, it plays a very important role. अगर हमारे पास पढ़ा लिखा population होगा तो देश का development होगा। हमें कहीं बाहर जाके कहीं कोई किसी इंसान को हमें बुलाना नहीं पड़ेगा, foreigner को बुलाना नहीं पड़ेगा हमारा देश चलाने के लिए। We have intelligent people within in our own country. So looking at India's educated population, 1947 के बाद, इंडिया को आजादी मिल जाने के बाद, बाय द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट 1951, तो 1951 से लेके अगले 10 सालों तक, दैट इज टिल 1960s, तो 1951 से लेके 1960 तक इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट था, इंडिया में जो पढ़ा लिखा पॉपुलेशन था वो सिर्फ 17% था। इट वॉज ओनली 17% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया From 1951 for the forthcoming 10 years till 1960, that we had only 17% of India's population which was actually educated, as you can see here in the first part. Now, as you go year by year, agar tum 10-10 saal count karo, if you talk about one census, means you are talking about 10 years altogether. So, aise 10-10 saal agar hum pakadte hai, to 1971 से लेके 1980 के बीच में इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ता है और वो 34% तक जाता है। सो इंडिया में हम देखते हैं कि 1971 से लेके 1980 तक 34% इंडिया का पॉपुलेशन था आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन दैट इंडिया हैज। उसमें से 34% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। देन व्हेन वी मूव ऑन फ्रॉम 1981 टू 1990, India had 43% of its population which was educated. From 1991 till 2000, India's 52% population was educated.
And the, by the time we went on to 2001, we saw that India had 64% of its population which was educated then. तो 2010 तक अगर हम देखते हैं तो इंडिया के 64% लोग एक्चुअली लिटरेट है, पढ़े लिखे है. दैट मीन्स वी हैव येट नॉट अकम्प्लिश्ड दैट लेवल वेर इन 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एजुकेटेड. अभी भी इंडिया में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है. नाउ टॉकिंग अबाउट आर एजुकेशन सिस्टम, अगर तुम अपना खुद का अभी एजुकेशन सिस्टम देखोगे, प्राइमरी सेक्शन होता है wherein we see that the schooling goes on till the age group of 14. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन होता है by the time you give your SSC board examination. Then from 10th standard till the next 5 years, you have your degree which you get then. तो इंडिया का ये जो एजुकेशन का पैटर्न है जो अभी तुम्हें दिखता है, जहाँ पे प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, हायर सेकेंडरी सेक्शन है जहाँ पे 11, 12 आता है, एंड देन फ्रॉम 13, 14 एंड 15 ग्रेड यू एक्चुअली स्टार्टिंग फॉर द डिग्री. दिस पैटर्न वाज अकम्प्लिश्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बाय द टाइम हम लोग 1972 में पहुंचे गए, जो तुम एजुकेशन सिस्टम में अभी बैठे हो, जहाँ पे तुम 10th का बोर्ड एग्जाम देते हो और 12th का बोर्ड एग्जाम देते हो, और फिर जब 15th में जाके तुम वापस बोर्ड एग्जाम्स देते हो, यहाँ पे ये जो पैटर्न था ये 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी. तो उसके पहले इंडिया का प्राइमरी एजुकेशन कैसा था, सेकेंडरी एजुकेशन कैसा था, कॉलेज कैसे चलती थी, दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोना स्टडी. तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे अपग्रेड हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोना स्टडी फ्रॉम 1950s till right now, that is 2020. अभी जो 2020 में अभी education pattern भी change हो गया है, so this chapter further goes ahead with the new education policy which is not there in your textbook. Okay, so we shall begin with the primary education by now. ठीक है, so what was primary education exactly that we are studying now? Talking about India's primary education. तो यहाँ पे ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है दैट प्राइमरी एजुकेशन हैज टू बी गिवन टू दोज चिल्ड्रन इन इंडिया हु फॉल इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6-14. नथिंग इज इंपॉर्टेंट. इंडिया में इंडिया की सरकार ने एक कानून पास किया है जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट बोला जाता है. नाउ एज पर दिस लॉ द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 6 till the age group of 14, every individual, every child in India is supposed to get his education. मतलब इंडिया में 6 से लेके 14 साल की तक के जितने भी बच्चे हैं, उनको compulsory में education देना जरूरी. Education देना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ it is more than important that even the parents. Okay, so the voice is cracking. Shashi ma'am, are you there online? Hello? Ma'am, are you there online? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, is my voice clear enough? Yes, ma'am, it's little bit it's cracking, otherwise it's clear. Okay, ma'am, theek hai. Fine. So, talking about India's education system की अगर बात करें तो इंडिया में 6 से लेके 14 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, all of these kids are supposed to get a compulsory education in India. By any chance, if their parents are not sending them to the schools, then the government of India shall take a strict action against those parents. ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं 6 से लेके 14 साल की उम्र में, ऐसे पेरेंट्स को अरेस्ट किया जा सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं. फॉर दोस किड्स हु आर नॉट इवन गोइंग टू द स्कूल्स एंड दे आर ड्रॉप आउट्स, द गवर्नमेंट कैन कैच होल्ड ऑफ सच पीपल एंड दे कैन पुट देम बिहाइंड द बार्स. सो प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी है इंडिया में. दिस इज वॉट यू पीपल शुड अंडरस्टैंड. ओके, the voice is absolutely clear, there is no
issue in the voice. So I hope you people, you just check your Wi-Fi's, okay? Just check your net connectivity. Now, when we talk about the year 1988, I want you people to look at this point now. When we talk about this year 1988, so yahan pe India ki jo central sarkar hai, now you people should know this common thing, ki India mein jo sarkar hai, India ki jo government hai, it has been divided at two levels. इंडिया की सरकार दो लेवल पे डिवाइडेड है. एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इज वे मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज सेंट्रल गवर्नमेंट, यस अरमान, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, इट इज कॉल्ड एज द फेडरल सिस्टम. ओके, so right now talking about 1988, India ki jo central sarkar hai, it started a scheme to spread primary education in India. Matlab India mein primary education jo hai, India ka jo primary education hai, isko kaise spread kiya jaye, that even those people who are there in the slum areas, even those people who are there in the rural areas, वहां तक ये primary education पहुंचे, इसके लिए 1988 में जो इंडिया की सेंट्रल सरकार थी उसने एक ऑपरेशन शुरू किया, उसने एक स्कीम शुरू किया which came to be known as the Operation Blackboard. Okay, so under this movement, central government ने ये movement के दौरान Operation Blackboard नाम का एक पूरा event शुरू किया, जिसके तहत 6 से लेके 14 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं, उसको प्राइमरी एजुकेशन इंडिया के हर एक पार्ट्स में पहुंचे. फॉर दैट रीजन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो आई विल जस्ट ट्राई टू रीकनेक्ट टू अनदर वाईफाई. ठीक है, इफ द वॉइस गेट्स बेटर विद इट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट.
Okay, so we shall continue over here. It's the same thing again. We are talking about Operation Blackmoor, which the central government year 1988, iske tehet all those kids who were from the age group of 6 to 14, they were the ones who were supposed to get compulsory primary education. Operation Blackboard ke tehet, the central government of India is trying to fund various towns, various districts, various rural areas throughout India. India mein jitna bhi rural areas hai, jo village areas ke alawa jitne bhi districts hai, aur jitne bhi districts ke alawa jitne bhi slum areas hai, wahan pe India ki sarkar प्राइमरी स्कूल्स को शुरू करने का फंडिंग दे रही है, उसके पैसे दे रही है. सच मनी विच इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा पैसा जो इंडिया की सेंट्रल सरकार दे रही है इन स्कूल्स को चलाने के लिए, ये पैसों को ग्रांट्स बोला जाता है. सच काइंड ऑफ अ मनी इज कॉल्ड एज ग्रांट्स. तो इंडिया की सेंट्रल सरकार फंड करना चाहती है. It is trying to make these funds, it is trying to make these grants available to almost every schools throughout India. Okay, so here, iske alawa, paise dene ke alawa, India ki sarkar aur kya kar rahi hai? The government of India is trying to provide at least two proper classrooms, at least do classrooms provide karti hai aisi primary schools mein, jahan jahan pe isko khola jata hai. Apart from two classrooms, toilets are made available. There are proper blackboards which are being available. Next, iske alawa maps, laboratories khole jate hai, aur wo laboratory mein jo use hone wale apparatus hai, okay, all those instruments which are being used inside a laboratory in order to conduct experiments, aise laboratory apparatus ko, aur iske alawa ek chota sa library, ek chota sa playground along with the sports equipments are being provided to these primary schools throughout India, which the government is funding. Yahan pe aane wale jo bhi bacche hoge, jinko education diya jayega, such kids will be given a free education. Such kids shall be given free education. And above all, what is more important, aise schools mein at least do female teachers ko appoint kiya jayega. So at least two female teachers will be appointed in such primary schools then. So this is what government of India, it started in 1988. By the time we reach into 1994, jab tak hum 1994 mein pahunchte hain, to ye operation blackboard ke paas itna funding ho jata hai, India ki sarkar ke paas itna paisa aa jata hai ki wo ye primary schools ko aur bhi zyada badhava de rahe hain. They are making these primary schools even much more better than what it was before. So 1988 mein jahan pe wo logon ne throughout India primary schools shuru kiye the free of cost for those children who were not financially stable, 1994 tak ye schools ko aur bhi zyada better banaya jata hai. So here, instead of two classrooms, now the government of India is providing one more classroom. That means अभी इन प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ दो क्लासरूम्स नहीं होंगे, आज के बाद तीन क्लासरूम्स होंगे. और हर 100 बच्चे जो एडमिशन लेंगे, फॉर एवरी 100 किड्स हु विल टेक एडमिशंस इन दिस स्कूल, वी सी दैट अगेंस्ट एवरी 100 किड्स देयर वुड बी एटलीस्ट वन टीचर हु शैल बी अपॉइंटेड देम. एक हर एक टीचर के पीछे, अरे हर एक 100 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर को अपॉइंट किया जाएगा. When the admissions are being taken in these schools, jab ye primary schools ko throughout India shuru kiya jayega, to yahan pe a girl child will be given admission first. Ladkiyon ko pehle admission diya jayega kyunki liye yahan pe inse fees nahi li jati hai. Most of the schools shall be taking admissions of the scheduled caste and the scheduled tribes. So scheduled caste or scheduled tribe ke jo bacche hote hain, जिनके पास ज्यादा फाइनेंसेस नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी वहां पे एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. ऐसे स्टूडेंट्स को पहले एडमिशन दिया जाएगा. और वो स्कूल्स के बच्चे जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको भी एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा.
मोर देन दैट, इंडिया की जो केंद्र सरकार है, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया के सारे स्टेट्स को ये चीज़ बोला कि ऐसे प्राइमरी स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया में शुरू करने हैं. सो हियर इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू आउट इंडिया दे वर बीइंग टोल्ड टू अपॉइंट फीमेल टीचर्स इन दीज क्लासरूम. मतलब हर एक स्टेट में जहाँ पे ऐसे प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं, वो हर एक स्टेट में, हर एक प्राइमरी स्कूल में 50% ऑफ टीचर्स शुड बी फीमेल्स. मतलब 50% टीचर्स जो होगी वो सिर्फ फीमेल्स होगी जो बच्चों को पढ़ाएगी. नाउ व्हाट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट, इन दिस सेम ईयर, यही 1994 के साल में हम देखते हैं कि इंडिया की सरकार ने एक और स्कीम शुरू किया. उन्होंने एक और कानून शुरू किया जिसको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बोला जाता है, which is trying to make universalization of the primary education system. मतलब इंडिया के जो 28 states है, ये 28 states में बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो सेम चीज हर एक स्टेट में पढ़ाया जाए. The syllabus should not be different from one state to another. It should not be different from one district to another. So throughout India, throughout the states, every primary school should have a same curriculum. उनका जो भी उनको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सेम पढ़ाया जाए throughout India. इस चीज के लिए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था. Now if you look at the pink patch over here, which is given in your textbook, that is even more important. महाराष्ट्र नाम का स्टेट जो है ये 1960 में बनता है. So the state of Maharashtra was formed in the year 1960. तो महाराष्ट्र में आने वाली जो एक कॉलेज थी, there was one such college in Maharashtra in those days, it was called as the ST College. ये ST College का जो principal था, his name was Syed Rauf. Syed Rauf ये principal को बोला गया था कि इंडिया में और महाराष्ट्र में जितनी भी प्राइमरी स्कूल्स चलती है, एस्पेशली महाराष्ट्र में जितनी भी प्राइमरी स्कूल्स चलती है फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टिल स्टैंडर्ड 7, इन सब की टेक्स्ट बुक्स का जो करिकुलम है, इन सब टेक्स्ट बुक्स का जो सिलेबस है उसको सेम बनाया जाए. और ये सिलेबस में क्या क्या आना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स आने चाहिए, कौन से चैप्टर्स आने चाहिए, उन सब को एक सेम लेवल पे लेकर आने के लिए ये प्रिंसिपल को पूरा उसका काम धाम दिया गया था. So it was under the leadership of this principal of ST College that the entire curriculum and the drafting of the entire curriculum was laid down in his hands. Okay. I hope you guys have understood till here. ठीक है. Now the next thing, what is even more important is that as per this plan, ये जो district primary education program है, इस plan के तहत here they are trying to gain 100% attendance in the primary schools. मतलब जो बच्चे ये primary schools में पढ़ने के लिए आते हैं, इन बच्चों का 100% attendance हो throughout the year. वो लोग ज़्यादा छुट्टी ना मारे, ज़्यादा lectures को bunk ना करे, बीच में से ऐसे बच्चे जो है school छोड़ के चले ना जाए. So such schools, they will target at 100% education, 100% attendance of all the students who are coming down to attend these primary schools. If by any chance there is a student dropout, agar by any chance koi bachcha agar ye school chhod ke chala jata hai, then such a student should be arrested and he should be put behind the bars. Next, they are talking about the education of girls. Ladkiyon ko education dena bahut hi zaruri tha. And they will also aim for the education of physically handicapped people. जो लोग handicapped हैं, इन लोगों के लिए भी proper education दिया जाए, इसकी भी facility school में दी जानी चाहिए. Now what is even more important? तुमने schools खोलने के लिए schools तो खोल दिए हैं, लेकिन इन schools में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनकी जो teachers हैं, are those teachers properly well trained? तो ऐसे टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाती भी है, ये टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए कि जब भी वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, इट शुड नॉट गो वेस्ट. सो वी सी दैट दिस प्रोग्राम, इट आल्सो एम्स
at research and evaluation of primary education. ऐसे primary education में जो textbooks पहुंचती है students तक या जो पूरा education पहुंचता है वो students तक या जिस तरीके से teachers वो students को पढ़ाती है उसका एक proper research होना चाहिए, उसका एक proper evaluation होना चाहिए, investigation होना चाहिए. Next, what is even more important, there has to be a societal awareness. Society में ये aware करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना जरूरी है. And at the day end, they are saying that for those students who cannot even afford a proper meal for the day, वो गरीब बच्चे जो ये schools में आते हैं, जो एक टाइम का लंच भी नहीं लेकर आ सकते ऐसे schools में, इतने गरीब होते हैं, उनके लिए midday meal provide किया जाए, that is even more important. So free lunch would be given to those students who come down and they attend these schools. I hope you guys have understood till here. So by the time it is 1995, midday meal scheme has been started by the government of India. And here, when the government of India is beginning with such a scheme, there are more and more enrollments. This blue name is education. But these are two primary schools. Hard work that such schools. नहीं थे हेलो मैम या मैम कैन यू हियर मी Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the voice is not breaking, na? No, ma'am. No, ma'am. It's clear, ma'am. Okay. So, talking about Tarabai Modak, this female, she started with first bar, jaise districts mein jahan pe adivasis rehte the, where the adivasis used to stay here. इनके लिए स्पेशली ये स्कूल्स को शुरू करवाया गया था. दे वर आल्सो कॉल्ड एज कुरान शालास. देन देयर इज वन मोर अनदर लेडी, हर नेम इज अनावती वाघ. ये जो लेडी थी उसने कोसबाड़ में और भी ज्यादा स्कूल्स खोले. इट वाज इन द थाने डिस्ट्रिक्ट दैट दिस कोसबाड़ एरिया इट कम्स, वेयर द आदिवासीज यूज्ड टू स्टे. सो शी स्टार्टेड विद क्रेचेस. क्रेचेस आर नथिंग एल्स बट बेबी सिटिंग सेंटर्स, nurseries, primary schools, adult education classes, and also Balak Sevika training schools. All these schools, they had been started by Anauti Tai. And later on, we see that more and more schools have been opened up throughout the Maharashtra districts. Jitne bhi rural areas the, throughout Mumbai and in the outskirts of Mumbai, there were many such districts and schools, there were many such districts where the primary schools had been opened up then. Okay. Fine. So here, this is one of the most important figureheads, as you can see them over here. His name is Maulana Abdul Kalam Azad. So he was the first education minister of India after India getting its independence. So when Pandit Jawaharlal Nehru, he was the Prime Minister of India, tabhi India ka pehla education minister was Maulana Abdul Kalam Azad. So Maulana Abdul Kalam Azad, when he was the education minister of India, he started with one team, and this team came to be known as the University Education Commission. I will again repeat this. These are some objective questions that you people need to know. इंडिया का पहला एडुकेशन मिनिस्टर
ना ना था बट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जब भी इंडिया का सबसे पहला एडुकेशन मिनिस्टर था तो उसने अपने नीचे एक टीम को शुरू किया था एंड द नेम ऑफ दिस टीम वाज यूनिवर्सिटी एडुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एडुकेशन कमीशन नाम का ये जो टीम था जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था, these people they want the secondary education in India to be the best। उनको चाहिए कि इंडिया का जो secondary education है मतलब fifth grade के ऊपर का जो भी secondary education है that has to be the best throughout India। अभी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अपनी team University Education Commission के साथ ये पूरे काम को अकम्प्लिश नहीं कर सकता, सो ही सजेस्टेड टू स्टार्ट वन मोर अनदर टीम। इसलिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने बोला कि सिर्फ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ये टीम से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एक और टीम को अपॉइंट किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द एजुकेशन मोर बेटर इन इंडिया। सो द नेक्स्ट टीम विच वॉज स्टार्टेड इट केम टू बी नोन एज मुदालियार कमीशन। आई विल अगेन रिपीट दिस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही वॉज द फर्स्ट एडुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही स्टार्टेड विद अ टीम विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सिटी एडुकेशन कमीशन टू मेक सेकेंडरी एडुकेशन बेटर इन इंडिया। सिंस दिस वन टीम कुड नॉट कैरी आउट द होल वर्क, इसके लिए उन्होंने एक और टीम को अपॉइंट किया and the name of this team was Mudaliar Commission। तो इंडिया में 1952 से लेके 1953 के बीच में एडुकेशन पैटर्न कुछ अलग था। इंडिया में पहले 11th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम होता था एंड द सेकेंड बोर्ड एग्जाम वॉज कंडक्टेड वेन यू रीच्ड इन योर 15th ग्रेड। मतलब बोर्ड एग्जाम सिर्फ दो बार होती थी, एक बार जब भी तुम 11th स्टैंडर्ड में बैठोगे और सेकेंड टाइम जब भी तुम 15th स्टैंडर्ड में पहुंचोगे, दैट इज व्हेन यू यूज्ड टू गेट योर फर्स्ट डिग्री। तो इंडिया के कुछ स्टेट्स में 11+4 का क्राइटेरिया फॉलो होता था और इंडिया के कुछ दूसरे स्टेट्स में वी सी दैट द एडुकेशन पैटर्न वॉज 11+1+3 मीन्स there were three board exams which were conducted in some of the states। 11th standard mein ek board exam hoga, 12th standard mein ek board exam hoga aur fir seedha 15th mein ek board exam hoga। So the education pattern in India during 1952 was like 11+4 and at times it used to be 11+1+3। I hope you guys have understood till here। We will further discuss about the Mudaliar Commission। Mudaliar Commission ने और क्या किया secondary education को better बनाने के लिए? So they tried to understand the nature of curriculum। जो syllabus students तक पहुंचाया जा रहा है, the subjects which are being included in the secondary education they were very important। तुम history, geography, math, science ये सारे subjects डालते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट्स में तुम कैसे चैप्टर्स डालते हो, कैसा सिलेबस डालते हो, हाउ मच यूजफुल इट इज फॉर द स्टूडेंट्स, दैट वाज इवन मोर इम्पोर्टेंट। मोर देन दैट, व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर टीचर स्कूल में पढ़ाती है तो वो कौन से लैंग्वेज में पढ़ाएगी, इवन दैट वॉज इम्पोर्टेंट। सो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज मेजोरिटी इंग्लिश विच वॉज बीन फॉलोड इन द स्कूल or maybe some vernacular languages which was locally spoken out there in the state। next the teaching methodology, teachers ko classroom mein kaise padhana hai, even that was very important। and more than that, this entire commission it makes certain other recommendations। wo schools mein jaake wo schools ko recommend karti hai, suggest karti hai ki unko apna curriculum kaise chalana chahiye, स्कूल को कैसे चलाना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इसके ऊपर हायर सेकेंडरी एजुकेशन का पूरा स्टैंडर्ड डिसाइड होता था फिर। ओके, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड टिल हियर। नेक्स्ट हियर वी शैल अंडरस्टैंड अबाउट महाराष्ट्र।
You guys are right now studying for SSC board examinations. So here Maharashtra state government, Maharashtra state government ke paas state board hai, जो अपना खुद का स्टेट बोर्ड चलाती है. महाराष्ट्र सरकार के पास अपना खुद का कैरिकुलम है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए. सो वी सी हियर दैट द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इज रनिंग सेकेंडरी स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया. इट इज ऑल्सो रनिंग हायर सेकेंडरी स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया. इंडिया में सेकेंडरी स्कूल्स चलती है फिफ्थ से लेके टेंथ ग्रेड तक, और टेंथ के बाद 11, 12, 13, 14, 15 के लिए एक अलग से पूरा हायर सेकेंडरी एजुकेशन होता है. सच काइंड ऑफ अ पैटर्न वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑन 1st ऑफ जनवरी 1966 एट पुणे. नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना शुरू किया फॉर दोस किड्स हु वर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 12, एंड their periodicals were being sent, means publish hoti thi har saal ke liye ki kaise pure saal mein bachcho ko padhaya jayega, which is called as shiksha sankraman. I hope you guys have understood till here. There are no queries. This chapter, more than understanding, you are supposed to remember all these names. Okay, it's quite boring chapter, but you have to do it at the end. Okay, we'll move ahead with the next one, that is the Kothari Commission, as you can see here. Again, I will repeat this one thing. India ka pehla education minister was Maulana Abdul Kalam Azad. He started with a team which came to be known as University Education Commission. And then he starts with one more another team, which is called as Mudaliar Commission. ये सब बात थी 1952-1953 की. नाउ वील मूव ऑन टू 1964. 1964 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सरकार थी, उन्होंने एक और टीम शुरू किया, एंड द नेम ऑफ दिस टीम वॉज कोठारी कमीशन. द चेयरमैन, द लीडर ऑफ दिस कोठारी कमीशन वॉज डॉक्टर डी एस कोठारी. और ये टीम के जो चेयरमैन थे डी एस कोठारी, उनके साथ एक और टीम मेंबर काम करते थे जिनका नाम था डॉक्टर जे पी नायक. सो इट वॉज अंडर द हार्ड वर्क ऑफ डॉक्टर जे पी नायक एंड डॉक्टर डी एस कोठारी कि हम देखते हैं कि ये कोठारी कमीशन इंडिया में अभी एक नए एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करेगा. तो पहले जो बोर्ड एग्जाम्स 11th स्टैंडर्ड में होती थी, कोठारी कमीशन के हिसाब से इंडिया का एजुकेशन पैटर्न अभी कॉमन होने वाला था थ्रू आउट इंडिया. एंड दैट वाज सपोज टू बी 10+2+3 जो हम आज के डेट में देखते हैं. सो इन द ईयर 1964 कोठारी कमीशन ने डिसाइड किया कि हम लोग थ्रू आउट इंडिया 10+2+3 का पैटर्न शुरू करेंगे. ये वो लोगों ने सोचा में, लेकिन इसको लागू करते हैं, दे इंप्लीमेंट दिस एंटायर सिस्टम इन 1972. सो इट वाज इन द ईयर 1972 वेयर कोठारी कमीशन वाज सक्सेसफुल इन बिगनिंग विथ 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन. जहां पे 10th स्टैंडर्ड में एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, 12th में एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, and by the time you reach the degree, that is in the 15th grade, you give your degree exams then. Okay, so that was about the Kothari Commission. Iske alawa, what is Kothari Commission trying to do? They are trying to deal with all the difficult parts in the education system. So they are trying to nationalize the entire education pattern. Pure India mein curriculum common karna chahte hai. Next, they are trying to teach students in their mother tongue. They're trying to teach students in Hindi language, in English language. And more than that, they're also adult education. Jo bade buzurg log padhe likhe nahi hai aur unko abhi bhi padhai likhai karni hai. For such people, there are adult education classes which have been put forth. Jo students college nahi ja paate hai, for them, correspondence examinations have been opened up. So those students who cannot go and attend the college, they can directly give board examinations
studying at home and just going to the board centers to give their exams. They also started with open universities. ऐसे universities जो शायद महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है. Some centralized universities, for example, it is IGNU, Indira Gandhi National University. तो ऐसी open university उसका headquarters दिल्ली में है. मुंबई में बैठ के तुम उसका exams दे सकते. Universities were opened up throughout India. Through it ki education koi bhi banda chhoot na jaye pure India mein se. So even those people who live in some rural area to bhi iske through bahut easy se pae. India ki sarkar jo thi usko saal ke as trying to give as much as money as possible in this education system. जहां जहां पे जो भी municipal schools है, जहां जहां पे भी government schools है, वहां पे पैसे पहुंचाए जाए, ये सरकार responsibility है. So the Kothari Commission, it recommended the government of India. Kothari Commission ने इंडिया की सरकार को बोला कि तुम अपना budget का ज्यादा पैसा लगाओ में. Especially वो scheduled caste और scheduled tribe के जो लोग हैं जिनको education नहीं मिलता है, for them especially you should give maximum grants. Government of India, it tried to adopt 10+2+3 pattern. ठीक है, 10+2+3 pattern adopt होता है 1972 में. हम देखते हैं कि इंडिया में और महाराष्ट्र में especially 1975 में सबसे पहला 10th का board examinations conduct हुआ. So I hope you guys have understood till here. There are no queries. Box. There is one question being asked that when will we do? Fourth chapter has been already done with you guys. It was about the economic development of India. And even the defense system had been completed last time. Okay, so there is a student from JB Nagar, Prapti. Yes, you have any queries? I have just unmuted you. Ma'am, actually the chat box is disabled. It is completely working. No, ma'am, actually, yes, ma'am, it's now working. Okay. Fine. Thank you. Fine. So, this was all about Kothari Commission. It's an important answer. Apart from that, talking about Kothari, का पैटर्न लेकर आया जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, 10+2+3 पैटर्न इज वेरी गुड फॉर अस इंडियंस फॉर ऑल दिस व्हाइल. नाउ द पैटर्न इज फॉर श्योर गोइंग टू चेंज. बट इस पैटर्न के दौरान कोठारी कमीशन ने क्या किया, दे ट्राइड टू मॉडर्नाइज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. मोर देन दैट, ये लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को जितना हो सके उसको सेंट्रलाइज किया कि थ्रू आउट इंडिया सबको एक समान एजुकेशन मिले. फॉर दैट रीजन दे ट्राइड टू इंटीग्रेट इंडिया. वो पूरे के पूरे इंडिया को एक साथ लेकर आते हैं सोशली भी. एंड एट द एंड दे आर सेइंग दैट दे ट्राइड टू नर्चर द सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज अमंगस्ट द स्टूडेंट्स. रोज सुबह जब भी तुम स्कूल अटेंड करते हो, there is a morning assembly which is conducted where there is a proper prayer service which is been conducted. You have value education as a subject, you have EVS as a subject. So in cheezon ke liye Kothari Commission ne bahut focus kiya tha, so that we have better students coming out from the school. Apart from that, talking about the education and the productivity, tum bachcho ko educate to kar rahe ho, लेकिन साथ साथ क्या वो बच्चे उतने प्रोडक्टिव है, क्या वो बच्चे उतने केपेबल है कि जब वो स्कूल से बाहर निकले, डू दे गेट प्रॉपर जॉब्स,
do they get better education? Do are they capable enough to stand in the world with other educated people from other universities throughout the world? So that is what Kothari Commission is trying to do over here. Next, here we shall also study about the higher education. What is more important? 1948, after independence, we had this person. His name is Dr. Radhakrishnan. So Dr. Radhakrishnan, even he was a part of the University Education Commission. So University Education Commission, ye team, jo Maulana Abdul Kalam Azad, India ke first education minister ne shuru ki thi, ye team ka jo chairman tha, he was none other but Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. What did he try to do? He tries to give as much as financial grants. Ye try karte hain ki jitna ho sake utna paisa pahunchaya jaye India ki government schools mein, municipal schools ho ya fir municipal schools ke alawa jitne bhi primary schools India mein chalte hain jahan pe midday meals ko provide kiya jata hai, unko zyada se zyada paisa pahunche, उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रांट्स पहुंचे इन स्कूल्स को चलाने के लिए. सो यस, वी हैव द टीचर्स डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हिज नेम, दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लीव इट बिहाइंड इन द चैट बॉक्स और द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन लीव. So there is a question from Susan that what is the meaning of grant? Grant means money which is being given to various government schools in India to run their schools properly. Okay, so grant here means money which is given by the government to run the schools, government schools in India. Okay, so we'll end the lecture for today.